हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? बताइए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला। एम्प्यूटी का मतलब होता है विकलांग, ठीक है ना? बताइए। तो फर्स्ट महिला जो है ये आपकी ऑप्शन नंबर ए, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट के लिस्ट से कब रिमूव किया गया था, कौन से साल में, ये आपको बताना है। तो भाई इसको रिमूव किया गया था ऑप्शन नंबर सी, इन द ईयर 1978 में, ठीक है। इंडिया साइंड पंचशील ट्रीटी विथ विच कंट्री? बताइए, भारत ने पंचशील ट्रीटी जो है ये कौन से देश के साथ साइन की थी? तो देखिए, पंचशील ट्रीटी जो है ये साइन किया था किसके साथ इंडिया ने? ऑप्शन नंबर बी, चाइना के साथ। द साइलेंट वैली मोमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1973 इन द स्टेट ऑफ, देखिए साइलेंट वैली, साइलेंट वैली से आपको कुछ याद आता है, एनपी लिख रहा हूँ मैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क होता है ना, ये आपके कौन से राज्य में है? केरल में है। तो ऑब्वियसली साइलेंट वैली मोमेंट भी है, ये जो आंदोलन है ये ऑब्वियसली केरल में ही हुआ होगा ना। तो आपको याद, देखिए अगर आप पार्क वगैरह याद रखते हो या फिर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिलेट करते हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसलिए सारे क्वेश्चन को माइंड में रखना, एक दूसरे से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। केरल। हुज़ बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर ऑन 29 अगस्त? बताइए कि हर साल 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग कॉमेंट वगैरह भी नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, आवर नेशनल एंथम जनगण मन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? वैसे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारा जो नेशनल एंथम है जनगण मन, जो कि कौन से लैंग्वेज में ओरिजिनली लिखा गया था, तो हमने उसको अडॉप्ट किया हिंदी में, तो ये ओरिजिनली ऑप्शन नंबर सी बंगाली में लिखा गया, ठीक है ना, बांग्ला में, बांग्ला लिख देता हूँ मैं, बांग्ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन बॉर्डर विथ पाकिस्तान? इंडिया जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करती है तो उसका लेंथ कितना है, ये आपको बताना है। सो इसका टोटल लेंथ है ऑप्शन नंबर सी 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री वॉज रिटन बाय? बताइए हिस्ट्री की पहली किताब किनके द्वारा लिखी गई है? तो भैया हिस्ट्री की पहली किताब हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, जाकिर हुसैन। इन विच ईयर द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड एट पोखरण? बताइए पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1974 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? बताइए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कौन से जगह पे है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, ऑप्शन नंबर बी। हु इज नोन एज विश्व कवि? विश्व कवि के नाम से किन को जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के नाम से जानते हैं। When was National Voters Day celebrated? बताइए National Voters Day कब celebrate करते हैं हम? 25th of January, ऑप्शन नंबर बी। नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? बताइए नवीन पटनायक जो है ये कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं आपके? वैसे बहुत सारे लोग उड़ीसा से मेरी वीडियोस को देखते हैं, है ना, जो जो भी उड़ीसा से कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो नवीन पटनायक आपके उड़ीसा के सीएम हैं।
गंभीरा डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट, बताइए गंभीरा डांस फॉर्म का संबंध कौन से राज्य से है। सो गंभीरा डांस फॉर्म रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। व्हाट इज द निकनेम गिवन टू जापान्स ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन स्लिम, जापान का जो ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है स्लिम, इसका निकनेम क्या दिया गया है। करंट से क्वेश्चन है, इसको दिया गया है मून स्नाइपर। इंडियन एयरफोर्स स्टार्टेड द ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है त्रिशूल, तो ये कौन सी जगह पे स्टार्ट किया गया है बताइए। इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8th of October है ना, और ये कौन सी जगह पे अभी त्रिशूल एक्सरसाइज हो रहा है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज, राजस्थान। हु हैज बीन अनाउंस्ड द विनर ऑफ G20 टेक स्प्रिंट 2023, बताइए G20 टेक स्प्रिंट 2023 के विनर कौन रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीम सेक्रेटोरियम लिमिटेड। व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन द वर्ल्ड, वैसे भारत की बात करें तो 1853 मुंबई टू थाने, लेकिन दुनिया का पहला ट्रेन कब चला ये भी पता होना चाहिए आपको, तो ये चला कब भाई, ऑप्शन नंबर सी 1825। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आदित्य एल1, आदित्य एल1 जो कि एक सोलर मिशन है, तो इसका बताना है आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम, ये है आपके ऑप्शन नंबर सी निगार शाहजी, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।